Hey guys, what's up? स्वागत है आपका एक और तरक्ती भड़कती वीडियो में। भाई मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि YouTube पे अपनी शुरुआत कैसे करें, स्पेशली गेमिंग या लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करें। तो यार देखो मैं आपको बताता हूँ, आप इजीली ना YouTube से महीने का 1-2 लाख रुपए कमा सकते हो सिर्फ गेम्स खेल के, लाइव स्ट्रीम करके, गेम प्लेज रिकॉर्ड करके डाल के। और मतलब थोड़ी मेहनत है शुरू में, बट हाँ एक बार जब आपका चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो ये 1-2 लाख रुपए की रकम जो है ना वो आपके लिए बहुत छोटा अमाउंट हो जाएगा उस टाइम पे। अब आप कहोगे कि अनमोल भाई ये तो आप सही कह रहे हो, YouTube से कमा तो बहुत रहे, बट भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम लाइव स्ट्रीम करेंगे कैसे, गेम्स की रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे, हमें गेम्स खेलना आता है सिर्फ, उसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है। तो भाई मैं हूं ना आपका भाई बैठा, तो मैं आज आपको समझाऊंगा भाई किस तरह से आप YouTube पे प्रॉपर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, A to Z आपको मैं एक एक चीज समझाने वाला हूं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे उस पर स्ट्रीमिंग करते हैं, कैसे गेम्स को उसमें बैकग्राउंड में चलाते हैं, कैसे वेबकैम यूज होता है, वो सब आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं आपको। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना, और लाइक कैम रखा है 15,000 लाइक का। इसी तरह के ट्यूटोरियल चाहते हो फ्यूचर में भी तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो YouTube पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हैं ना उसका नाम है भाई प्रिज्म लाइव स्टूडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जैसे आप क्लिक करोगे इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ गया है पीसी के लिए, साथ ही साथ इनकी ना एक मोबाइल ऐप भी आती है जिसके थ्रू आप मोबाइल से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। उस पर अगर एक वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाले टाइम में जरूर बनाऊंगा। बट आज हम भाई पीसी से स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए मेरे को फटाफट से यहां डाउनलोड करना है। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर को करते हो। यहां पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया है इंग्लिश में और इंस्टॉल पर क्लिक करना है। देख सकते हो भाई साहब कितनी जल्दी जल्दी जो है इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद सीधा यहां पर लिखा आ गया है एलिवेट योर लाइव स्ट्रीम और स्टार्ट का बटन, स्टार्ट पर क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर लॉग इन कर लेना है, अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बना लो, किसी फेसबुक से करना है, गूगल से करना है, वो सब कर लेना आराम से। ये सब करने के बाद आपका कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर खुल के सामने आ जाएगा। अभी यहां पर आपको दो स्क्रीन दिख रही होगी, इसको हटाने के लिए भाई यहां पर राइट साइड में क्लिक करो, सिंगल स्क्रीन हो गई है। ये थोड़ा ईजी लगता है देखने में, वो डबल स्क्रीन अजीब सा हो जाता है। सबसे पहले तो भाई आपको बता दूं ये जो सॉफ्टवेयर है ना प्रिज्म लाइव स्टूडियो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे आपको देने नहीं है। जनरल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो इनेबल वाटरमार्क का फीचर है ना इसको डिसेबल कर देना है और अप्लाई पर कर दो क्लिक। अब इससे क्या होगा, जब भी आप कोई भी रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीम करोगे ना तो वाटरमार्क नहीं आएगा प्रिज्म का, क्योंकि ये भाई काफी सही चीज है, वरना ज्यादातर फ्री सॉफ्टवेयर में ना वो वाटरमार्क चिपका ही देते हैं साइड में या बीच में कहीं भी, लेकिन इसमें आप उससे छुटकारा पा सकते हो। और फ्री होने के साथ साथ ना इस सॉफ्टवेयर में भाई इतने खतरनाक फीचर्स है ना जो इसको OBS से भी बेटर बनाते हैं, वो हम सारे इस वीडियो में बात करेंगे। लाइव स्ट्रीम करना ना इस सॉफ्टवेयर से बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ऊपर ये माई चैनल के साइड में 3 डॉट्स दिख रही है ना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड चैनल्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो स्ट्रीमिंग करनी है, जैसे कि हमारे केस में हम यूट्यूब पे करने वाले हैं। तो जैसे ही आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे ना आपको यहाँ पर अकाउंट लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बट भाई कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपना अकाउंट जो है ना वो इसमें लॉगिन ना करें, क्योंकि सेफ्टी इशूज होते होंगे कुछ लोगों को, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ऐड कस्टम RTMP का। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे ना यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, ये आपको भरने हैं और इससे आप स्ट्रीमिंग कर लोगे विदाउट अपने YouTube अकाउंट को लॉगिन करे, तो वो मैं एंड में बताऊंगा अभी। अब इसके बाद आपके पास ये जो सॉफ्टवेयर है ना यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है। मेन लाइव स्ट्रीम के सीन सेट करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ सेटिंग्स दिखा देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सबसे पहले जनरल टैब का तो आपको दिखाई दिया था वाटरमार्क वाला, आउटपुट में जाकर आप यहाँ पर स्केल रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो कि आपको किस रेजोल्यूशन में लाइव स्ट्रीम करनी है। जनरली लोग 1080p में करते हैं भाई, उससे कम तो खैर अगर थोड़ा हल्का पीसी है तब सेलेक्ट करना 720p, वरना 1080p पे कर लेना, मैं तो ये यूज़ करता हूँ। डाउन स्केल फिल्टर में ना आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो लैंकोज, मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, और FPS ज़्यादातर लोग 60 FPS पे करते हैं, तो मेरा PC इतना कैपेबल है कि हो जाए, तो इसलिए मैंने 60 पे ही कर दिया। अब आउटपुट मोड को आप सिंपल प्लस एडवांस भी कर सकते हो, बट अभी आप नए हो तो सिंपल ही रखना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। वीडियो बिट रेट होता है भाई आपके इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग कितनी क्वालिटी में आप स्ट्रीम को दिखा सकते हो, तो जनरली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने इंटरनेट के हिसाब से ये यूट्यूब गूगल कर लेना, उसमें पता चल जाएगा। बट मेरा इंटरनेट 300 Mbps वाला है तो मैं 7000 kbps पे करता हूँ, बिटरेट सही चल जाता है। एनकोडर में अगर आपका एक डेडिकेटेड एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है पीसी में तो आप हार्डवेयर वाला चूज करो, कोई और केस है तो आप सॉफ्टवेयर वाला यूज करो। तो मेरे पास है एनवीडिया का कार्ड तो मैंने इसलिए हार्डवेयर कर दिया। इसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स के ऑप्शन है कि कहां पर आपको रिकॉर्डिंग अपनी सेव करनी है, क्वालिटी क्या है वो सब। ऑडियो में आप सैंपल रेट ये रख लो, स्टीरियो रख लो, अपना डेस्कटॉप ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा करना है, और इसके अलावा माइक सेट कर सकते हो, जैसे मेरे पास ब्लू येती है तो मैं अपना ये सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद जाएंगे हम विजुअल्स में, तो यहां पर बेस कैनवस मतलब आपका जो मॉनिटर है आप जिस पे गेमिंग कर रहे हो वो कौन सा है, तो मेरा यहां पर 2K है वैसे तो 1440p, अगर आपका 1080p है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो।
और आउटपुट में मैंने आपको बताया किस रेजोल्यूशन में आपको लाइव स्ट्रीम या रिकॉर्डिंग करनी है वो सिलेक्ट कर लो। इसके अलावा ये सारे थोड़े एडवांस फीचर्स है जो हम आने वाली वीडियो में कभी बात करेंगे। अगर आप चाहते हो एडवांस फीचर्स के बारे में, जैसे ये होट कीज कैसे सेट करते हैं, तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर ही मैं वीडियो ला दूंगा। बट अभी के लिए भाई यहाँ से अप्लाई करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं अपनी लाइव स्ट्रीम को सेटअप करने का पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे सीन्स का ऑप्शन मिल रहा होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर तीन सीन ऐड करने हैं। सबसे पहला सीन है, हम उसका नाम देंगे भाई स्टार्टिंग, कुछ इस तरह से। और ऐड वाले बटन पे जाके एक और सीन ऐड करेंगे जिसका नाम होगा लाइव। ओके पे कर देते हैं, यहाँ बन गया। और एक और कर लेंगे ऐड करके जिसका नाम होगा एंडिंग, इस पे भी क्लिक करा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप तीन सीन बन चुके हैं, स्टार्टिंग, लाइव एंड एंडिंग। तो इसका बेसिकली फंडा क्या है, पहला जो सीन है ना स्टार्टिंग, ये जब आपका चलेगा, जब आपकी स्ट्रीम स्टार्ट हो रही होगी तो आप यूट्यूब वगैरह से कुछ भी वीडियो ऐड कर सकते हो इसमें, जैसे कि स्ट्रीम स्टार्टिंग सून या अपना कुछ भी एनिमेशन ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना सीन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर सोर्सेज में ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो, वेबकैम लगा सकते हो या फिर कुछ और। बट क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग वाला सीन है तो इसमें हमें एक वीडियो प्ले करनी है लूप में, तो हमें जाना है वीडियो पे, म्यूजिक पे, अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लो, मतलब पीसी में जहाँ पे भी आपकी पड़ी हुई, अभी मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। फिर इसके बाद जो सेकंड वाला सीन है हमारा लाइव के नाम से, यहाँ पर आपकी प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो हो सकता है आपको अपना डेस्कटॉप दिखाना हो सकता है, कोई गेम खेलनी हो, तो उसके लिए भी सेम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे गॉड ऑफ वॉर की लाइव स्ट्रीम करनी है, तो पहले मुझे उस गेम को रन करना पड़ेगा बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो नीचे मैंने प्ले कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना मुझे गेम का ऑप्शन, फिर क्लिक कर देना ओके पर। अब यहाँ पर आ गया है क्रिएट न्यू पे, किस कौन सी गेम नेम डाल देते, मान लो GOW मतलब गॉड ऑफ वॉर कर देते, ओके पर क्लिक। अब ये पूछेगा कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, मतलब आपको फुल स्क्रीन एप्लीकेशन करनी है, कैप्चर एनी, या फिर कोई स्पेसिफिक। तो मुझे कोई स्पेसिफिक करनी है ना, और विंडो का यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा गॉड ऑफ वॉर, यहाँ लिखा आ गया ये देखो। जैसी मैंने उस पर क्लिक कर, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर गेम जो है ना वो चल तो रही है, बट हमारे स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर यानी कि प्रिज्म लाइव स्टूडियो में भी आ गई है। ओके पे कर देते क्लिक। अब यहाँ से आप अपनी गेम को जो है स्ट्रीम कर पाओगे। बट अगर आपको भाई गेम के साथ साथ अपना फेस भी दिखाना है, जो बहुत लोग आप चाहते हो, और मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा कि भाई वेबकैम के साथ ही जो है लाइव स्ट्रीम करो, फेस वैल्यू बनाओ अपनी, तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है ऐड पर क्लिक। सबसे पहला ऑप्शन मिल गया है वेबकैम का, इसको सेलेक्ट करके करना है ओके। यहाँ पे लिख देते हैं भाई वेबकैम, उसके बाद करना है ओके फिर से। अब यहाँ पूछेगा वो डिवाइस कौन सा जिसको आप वेबकैम की तरह यूज़ करना चाहते हो, तो मेरा यहाँ पे लॉजिटेक का C925E वेबकैम यूज़ है, मतलब ऑलरेडी। तो देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक करा, हेलो जी हेलो आ गया ना स्क्रीन पे। अब मैं कर देता हूँ भाई ओके पर क्लिक, तो यहाँ पर मेरा वेबकैम भी इसके ऊपर आ गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो ना आपका जो बैकग्राउंड है इस तरह से गलती से आपके हिल डुल ना जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ GOW जो हमने सेलेक्ट किया था, एक लॉक का ऑप्शन होगा, लॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आप देखो आप इसको हिला नहीं पाओगे बिल्कुल भी, तो ये फिक्स्ड रहेगा बीच में ना, स्ट्रीम के बीच में कोई मतलब समझ रहे हो ना, सीन क्रिएट नहीं होगा। तो अभी ये वेबकैम देख सकते हो आप, थोड़ा अजीब लग रहा है, पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ अपने फेस के अकॉर्डिंग कि मैं सेंटर में कहाँ पर आ रहा हूँ अच्छे से। तो अब सही लग रहा है मुझे, बट इसको अभी मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ा, मैं छोटा करना चाहता हूँ यहाँ से पकड़ के, प्लस में ये जो लेफ्ट में राइट में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हटाने के लिए मैं ओल्ड दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, और फिर पकड़ के करूंगा ना तो ये क्रॉप भी हो जाएगा भाई ये देखो। और अब इसको मैं पकड़ के ले आता हूँ भाई यहाँ पर ऊपर, तो लाइव स्ट्रीम मेरी कुछ इस तरह से होगी, बैकग्राउंड में गेम चल रही है मस्त, और ऊपर आ गया है यहाँ पर मेरा फेस पूरा का पूरा। अब इस पर भी आप थोड़ी बहुत और चीज़ें चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने क्लिक किया तो आप इसको रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री से, बट मुझे करना नहीं है। इसके अलावा फ्लिप भी कर सकते हो हॉरिजॉन्टली, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं इधर रखूँ अपने कैमरे को, तो मेरा फेस इधर की तरफ हो गया, अगर मैं वापस उधर चाहता हूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म करके वर्टिकली कर दूंगा। अबे वर्टिकली उल्टा हो गया, मतलब पहले वापस करते हैं इसको सही, हाँ अब हॉरिजॉन्टल हो गया, अब मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी आई होप। हमने इस तरह से कर लिया सेकंड वाला वही फीचर। अब थर्ड है एंडिंग, एंडिंग में मतलब वही आप एक और वीडियो प्ले कर सकते हो कि स्ट्रीम इज एंडिंग सून, और वो टाइमर लगा दो, वो भी आपको गूगल से मिल जाएगा, या अपना खुद एनिमेशन करना चाहते हो लोगों वोगों के साथ, तो वो करके सेम वही ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जाना है वीडियो म्यूजिक में, ओके करके आपको सेलेक्ट कर लेनी है वो वीडियो अपने जहाँ पर भी पीसी में रखी हुई है, जैसे मान लो मेरे पास इसमें पड़ी है वीडियोज में, तो इसको सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा प्ले, बट अभी मेरे पास है नहीं इसलिए मैं हटा देता हूँ भाई इस चीज को भी। अब इसके अलावा जब आप एक सीन से दूसरे सीन में जाओगे ना, तो एकदम से देखो कट अजीब सा आ रहा है ना, ये देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर क्लिक करोगे ना सेकंड सीन पे, तो इस वाले ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पर आपको ना स्विच टू स्क्रीन में ना अभी डायरेक्ट जैसे कट का वो है, तो हम इसको कर देंगे फेड। अब ना ये थोड़ा इफेक्ट अच्छा देगा, मान लो जब आपने स्टार्टिंग सीन कर रखा है, जैसे ही आप लाइव पे क्लिक करोगे ना, ये देखो ऐसे फेड होके निकल के आ रहा है, तो ये इफेक्ट ना लाइव स्ट्रीमिंग को थोड़ा प्रोफेशनल बना देता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़,
अगर आपके पास एक डेडिकेटेड कैमरा या वेबकैम नहीं है, मान लो मेरे पास तो है, बट अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ समझ लो कुछ इस तरह से, और समझ लो मेरे पास कोई भी कैमरा नहीं है, तो आप अपने भाई मोबाइल फ़ोन के कैमरा को भी वायरलेसली यूज़ कर सकते हो एज अ वेबकैम। उसके लिए आपको इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है प्रिज्म लाइव स्टूडियो करके, तो मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूँ भाई। जब तक ऐप डाउनलोड हो रही है अपने सेटअप कर लेते हैं कंप्लीट इसमें। तो इसमें आपको क्या जाना है, वापस से प्लस वाले पे क्लिक करना है और प्रिज्म वाले लाइन में ना प्रिज्म मोबाइल करके ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके ओके दबाना है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एज अ वेबकैम यूज करने वाले हो आप फोन को, तो कर देते हैं भाई ओके पे क्लिक। अब यहाँ पर आपको एक ये बारकोड दे देगा, जैसी आपकी फोन ऐप डाउनलोड हो जाएगी ना उस पर भी आपको लॉगिन कर लेना है। तो ऐप में यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इससे आपको ना अपना बारकोड ये जो स्क्रीन पे आया है ना वो क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो दो फीचर मिल गए कि आप इसको एज अ कैमरा यूज करना चाहते हो या एज अ स्क्रीन। तो मुझे तो कैमरा करना है इसलिए मैंने कैमरा पर क्लिक कर रखा है। सही में मुझे ये चीज ना अच्छी लगी है, मतलब वेबकैम पे पैसा खर्चने की जरूरत ही नहीं, मस्त ऐप डाउनलोड करो और अपने फोन के थ्रू ही वेबकैम से अपना शक्ल जो है वो स्ट्रीम में दिखाने लग जाओ। बट अपने पास तो भाई वेबकैम या कैमरा है ही एक अच्छी क्वालिटी का, तो हमें जरूरत नहीं है अभी, है ना। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के ना कुछ तगड़े तगड़े ऐसे फीचर्स की जो इसे OBS से भी बढ़िया बनाता है। सबसे पहले तो भाई अगर आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ना चुप हो जाऊंगा, तो मेरा ये जो ब्लू येती माइक है ना, ये बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ आवाज ना PC की हो गई, फैन की हो गई, कैप्चर कर रहा होगा। और एक्चुअल में भाई थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक फीचर देखने को मिल जाएगा, टर्न ऑन RN नॉइज। तो इससे क्या है, ये बैकग्राउंड नॉइज को ना पूरा रिमूव कर देता है। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ना देखना, मैं चुप हो जाऊँगा, उसके बाद बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी कैच नहीं करेगा ये। फर्क देख रहे हो भाई, मतलब मैं जब बोल रहा हूँ तभी बार मतलब वो ऑडियो कैप्चर हो रही है, जैसे ही मैं चुप हो जाऊंगा बिल्कुल शांत। खतरनाक भाई, खतरनाक फीचर है ये तो। वैसे हम नीचे ना सीन एक और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जिसमें हमारा खाली फेस कैम ही देखने को मिलेगा। तो ये मैं लगाता हूँ फेस कैम, और इसमें हम ऐड कर लेते हैं अपना वापस से वेब कैम को। तो ये एग्जिस्टिंग वाला ही है, इसी को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। ये देखो भाई, इस तरह से पूरी स्क्रीन पे हम अपना ना फेस कैम को ही ले आएंगे खाली, ताकि मस्त हो जाए जब हमने अपनी ऑडियंस से बात करनी हो तो खाली फेस कैम ही हमारा दिखाई दे, है ना, इस तरह से। तो कितना सही है ना। तो हम यहाँ पर अब शिफ्ट करेंगे, मान लो लाइव जाना है, गेम दिखानी है तो इस पर क्लिक करो, फेस कैम दिखाना है इस पर क्लिक करो, फेड के फीचर के साथ मस्त आप बातचीत मारो अपने ऑडियंस के साथ। इसके अलावा यहाँ राइट साइड में ना एक वर्चुअल बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो वेब कैम की फीड आ रही है ना उसका आप रिमूव बैकग्राउंड जैसी करोगे, तो मेरा जो पीछे का सेटअप है ना भाई वो पूरा गायब होगा। ये देखो सिर्फ मेरी शक्ल जगल दिखाई दे रही है, और ये बिना ग्रीन स्क्रीन के हो पा रहा है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप रिमूव ना करके बैकग्राउंड में कुछ और लगाना चाहते हो, ये देखो इस तरह का ये बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये 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 हो गया, बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट मिल जाएंगे। ये देखो समुद्र के आगे बैठ के लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं मैं। बाकी ओरिजिनल बैकग्राउंड अगर आप रखना चाहते हो ना और पीछे से ब्लर करना चाहते हो, ये देखो तो ब्लर का फीचर भी मिल गया। अभी मेरा नॉर्मल जो वेबकैम था वो भी कुछ इस तरह की फीड ले रहा था, बट जैसे ही मैं इसको ऑप्शन करूंगा ना बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और मैं सिर्फ फोकस में आऊंगा। ये देखो भाई क्या तगड़ा है ना, बट ये ज़्यादा ही हो गया कुछ, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, और मेरा वैसे ही बैकग्राउंड ठीक ठाक है तो ज़रूरत है नहीं मुझे इतनी। वर्चुअल बैकग्राउंड के नीचे यहाँ पर हमें प्रिज्म स्टिकर्स का फीचर मिल जाएगा, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट स्टिकर्स ऐड कर सकते हो। ये देखो एनिमेशन वाले, बहुत सारी चीज़ें, मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तो मस्त हो जाता है। इसी लाइन में एक ब्यूटी इफेक्ट्स का भी फीचर है, मतलब समझ रहे हो ना कौन यूज़ करेगा जिसको फिल्टर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐड करते देखो मेरा शक्ल जो है स्मूथ हो गई है। इसी तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी एडवांस सेटिंग्स के लिए मैंने आपको कहा ही था कमेंट सेक्शन में बताना, आने वाले टाइम पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी। अब बात करते हैं भाई यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था ना, अगर आप अपना चैनल लॉगिन नहीं करना चाहते और ये RTMP वाला ऑप्शन यूज़ करना है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीन चीज़ें मिल जाएगी, URL में आप सेलेक्ट कर लो किस प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो, जैसे यूट्यूब पे करना है, फेसबुक पे करना है, तो हम यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो स्टीम की और स्टीम नेम होता है ना वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ से ढूंढना, लेकिन ये ID पासवर्ड वाला सीन जरूरी नहीं है डालना, तो इसको इग्नोर मारना। ये आपको आपके यूट्यूब अकाउंट में जब आप उसमें जाओगे ना लाइव स्ट्रीम के ऑप्शन में, तो आपको स्ट्रीम अकाउंट मिल जाता है, स्ट्रीम की मिल जाती है सॉरी। बट एक चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रीम की आप किसी के साथ शेयर मत करना, वरना कोई दूसरा ही बंदा आपके चैनल पे लाइव करना शुरू कर देगा। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आपको जितनी भी मैंने चीजें समझाई है वो अच्छे से
समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट रहता है ना तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं कमेंट्स रेगुलर जो है रिप्लाई कर वैसे तो करता था, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा रिप्लाई करूंगा और क्वेरीज को ना सोल्व करने की कोशिश करूंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं। बाकी आप में से भी कोई क्वेश्चन देखता है ना कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर आपको पता है तो आप खुद भी रिप्लाई कर दिया करो, अपनी ऑडियंस थोड़ी मेच्योर और समझदार है ना। बाकी प्रिज्म लाइव स्टूडियो का लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज फीके रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। Bye. Bye.